हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म जब आ जाए रैंप का ग्राफ। अगर रैंप सिग्नल का ग्राफ आया था तब उसका कैसे निकालना। तो मैंने सिग्नल का को लिखना तो बहुत आसानी से बताया, ये तो जो मैंने सिखाया उनके सामने बहुत ज़्यादा आसान बात है। ठीक है, तो मैं एक बार बता देता हूँ कैसे लिखते हैं, एक बार रिविजन करा देता हूँ एक तरह से कहने का मतलब। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल लेफ्ट से शुरू करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन का कितना होता है स्लोप? जीरो। अब क्या करेंगे, जो ऊपर जा रहा है उसका स्लोप फाइंड करेंगे। इसका स्लोप कितना हो जाएगा जल्दी से बता दो मुझे। स्लोप का फॉर्मूला एम टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस वन कोमा जीरो, ये हो जाएगा जीरो कोमा टू। ठीक है, या तो ऐसे निकालते हैं चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो ये जीरो से टू हो गया यानी टू, और ये कितना हो गया चेंज इन एक्स कितना, जीरो माइनस वन यानी टू अपॉन वन। फिलहाल तो मैं बता ही देता हूँ कैसे निकालते हैं। माइनस वन कॉमा जीरो हो जाएगा ये, ठीक है, ये वाला पॉइंट, और वो कितना हो जाएगा जीरो कॉमा टू। ठीक है, एक्स की वैल्यू तो वहाँ जीरो होगी ना। तो स्लोप क्या होता है, ये मान लिया एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू कह दिया, ये वाई टू कह दिया। ठीक है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ पर निकाल के दिखाता हूँ। वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो वाई टू है मेरा टू, वाई वन है जीरो, जीरो माइनस माइनस वन, तो ये कितना आ गया टू अपॉन वन यानी टू। वैसे भी स्लोप ऊपर जा रहा तो ऊपर जाने वाला। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पर आएगा। अगले पॉइंट के लिए निकाल लो जीरो कोमा टू एंड वन कोमा जीरो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा वन कोमा जीरो, तो यहाँ पे वन कोमा जीरो कर लिया। इस बार कितना हो जाएगा टू माइनस जीरो और जीरो माइनस वन, कितना आ गया टू अपॉन माइनस वन यानी माइनस का टू। तो जब ये नीचे आएगा कितना होगा माइनस का टू, तो जा यहाँ पे जाएगा कितना हो जाएगा जीरो। ठीक है, फिलहाल ये सब मैंने लिखना सिखाया हुआ है। इसको मैं ना भी सिखाता तो भी ठीक था यहाँ पे, क्योंकि मैंने इस पे अलग से पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाके आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सिग्नल्स स्केचिंग नाम से वो प्लेलिस्ट होगी। ठीक है, अब देखो इसको लिखते कैसे हैं, एक्स टी को कैसे लिखेंगे, क्या करते हैं। तो माइनस वन पर आके देखो ग्राफ का चेंज हो रहा, क्या हो रहा है स्लोप का चेंज हो रहा है, पहले जीरो था फिर टू हो गया। तो फिर क्या करते हैं यहाँ पे, अगला वाला माइनस पीछे वाला। ठीक है, आगे कौन है, ये टू और पीछे कौन है जीरो, किस पे, ये आर कितना हो जाएगा माइनस वन पे, तो आर टी प्लस वन। ठीक है, फिर क्या आ रहा है टू तक जा रहा था, फिर आगे देखो माइनस टू हो गया, कहाँ पे चेंज हुआ होगा ये जीरो पे, तो कितने से हो गया माइनस टू, अगला वाला कौन सा है माइनस टू और पीछे वाला कौन है टू, कहाँ पे मिला आर टी माइनस जीरो पे। ठीक है, आगे देखो फिर माइनस टू जा रहा था फिर जीरो हो गया, फिर कहाँ पे चेंज मिला मुझे वन पे आके, तो यानी अगला वाला था जीरो और पिछले वाला क्या चल रहा था माइनस टू आर टी माइनस वन। ठीक है, इसको थोड़ा सिंपलीफाई किया तो कितना आ गया ये टू आर टी प्लस वन माइनस चार हो जाएगा ये आर टी, और ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, टू आर टी माइनस वन, यहाँ तक बात समझ आई होगी। अब देखो मैंने कहा था जब यू टी का आता तो एक बार डिफरेंशिएशन करना, और आर टी आता तो दो बार करना। ठीक है, जब फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल ले तो आर टी है, जब तक हमें डेल्टा टी नहीं मिल जाएगा तब तक करना। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन फाइंड करो दोनों तरफ, डी अपॉन डी टी एक्स ऑफ टी, आर टी प्लस वन का कितना हो जाएगा यू टी प्लस वन, आर टी का कितना मतलब रैंप का डेरिवेटिव क्या होता है स्टेप, ये हो जाएगा यू टी, और ये क्या हो जाएगा टू यू टी माइनस वन। ठीक है, एक बार और करो, एक्स ऑफ टी यू टी का अब स्टेप का क्या होता है डेल्टा। ठीक है, इंपल्स टू डेल्टा टी प्लस वन माइनस फोर डेल्टा टी टू डेल्टा टी माइनस वन। ठीक है, अब देखो फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर दो दोनों तरफ। तो उससे पहले मैं एक फॉर्मूला बता दूं, क्या अगर एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा है, अगर मैं एक बार डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या होता है, क्या होता है
जे ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाती है केवल, ठीक है, एक्स ऑफ ओमेगा। अगर दो बार करूंगा तो जे ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा केवल, क्या हो जाएगा, जे ओमेगा का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑफ ओमेगा, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टी यूज होगी यहाँ पे, डेल्टा टी का, जो डेल्टा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो कितना होता है, वन होता है, और हमें टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो क्या होती है वो एक्स टी माइनस, अगर टी नॉट है तो क्या हो जाता है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट एक्स ऑफ ओमेगा, अगर प्लस है तो कौन से हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, ई की पावर जे ओमेगा टी नॉट एक्स ऑफ ओमेगा। फिलहाल ये वाले फॉर्मूले हमें यूज करने हैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं, दोनों तरफ क्या ले लेता हूं मैं, टेक फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो इसका दो बार फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसका दोनों तरफ फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, जे ओमेगा का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑफ ओमेगा, ठीक है, टू इंटू डेल्टा टी प्लस वन, तो टी प्लस वन लगाया यानी टी नोट की वैल्यू हो गई वन, ई की पावर जे ओमेगा वन हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑफ ओमेगा, एक्स ऑफ ओमेगा कितना, यानी एक्स टी क्या, डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना हमारा वन, माइनस फोर इंटू डेल्टा टी का होता है वन, ठीक है, ऐसे यहाँ पे टू ई की पावर माइनस वाले में क्या टी नॉट की वैल्यू वन है अगेन, यहाँ पे हो जाएगा जे ओमेगा अगेन वन हो जाएगा, और डेल्टा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म वन, बस यहाँ से एक्स ऑफ ओमेगा के लिए सॉल्व कर लो, वही हमारा आंसर है, जे ओमेगा का स्क्वायर एक्स ऑफ ओमेगा कितना हो गया, टू ई की पावर जे ओमेगा माइनस फोर प्लस टू ई की पावर माइनस जे ओमेगा, तो यहाँ से एक्स ऑफ ओमेगा कितना आ गया मेरा, टू ई की पावर जे ओमेगा माइनस फोर टू ई की पावर माइनस जे ओमेगा अपॉन जे ओमेगा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया, ये यहाँ पे खत्म हो चुका आंसर, ठीक है। कभी कभी हमें ये आंसर देखने को मिलता, ठीक है, कभी कभी हमें क्या मिलता है, ये आंसर देखने को मिलता, और कभी कभी क्या करता है वो स्मार्ट वर्क करता है, चार ऑप्शन इस तरह से दे देगा, वहां पे ये वाला ऑप्शन ही नहीं होगा, तो हमें इसका मतलब कुछ यहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है, मैं बताता हूँ वो वाला ऑप्शन कैसा आएगा, क्योंकि हमें वही वाला आंसर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से इसका सेकेंड मतलब और पार्ट करके दिखाता हूँ, यानी और ज्यादा सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है, या तो यहीं पर छोड़ सकते हैं, ये आंसर है एग्जाम में आता है, ठीक है, ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन बेस्ड प्रॉब्लम है वो कभी भी इस टाइप का आंसर नहीं देगा, ठीक है, तो वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देगा, तो देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्या आएगा, ऊपर से मैं टू कॉमन ले लूं, पहले क्या आ जाएगा, ई की पावर जे ओमेगा माइनस टू प्लस ई की पावर माइनस जे ओमेगा अपॉन जे ओमेगा का होल स्क्वायर, ठीक है, यहां तक आई बात समझ। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, मैं कैसे लिख सकता हूं, मुझे इसका फॉर्मूले में चेंज करना किसी तरीके से, टू अपॉन जे ओमेगा का स्क्वायर, इसे को तो मैं अलग रखता हूँ पहले। अब देखो यहाँ पे कैसे लिखूंगा मैं इसे, ओमेगा को मैं ओमेगा बाई टू इंटू ओमेगा लिख सकता हूँ पावर में, e की पावर जे ओमेगा अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय टू लिख सकता हूं मैं इसको, ऐसे लिख लूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस मैं दूसरा वाला टर्म को भी ऐसे लिख लेता हूं, और जो माइनस टू है उसे बाद में लिख लूंगा, जे ओमेगा बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू, ठीक है, इसको लिख सकता हूं मैं माइनस टू, ठीक है, अब देखो ये दोनों फंक्शन सेम है तो मैं इसको मल्टीप्लाई भी करके लिख सकता हूँ, चलो अभी इसको नहीं लिखता हूँ, अगले स्टेप में दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ से आगे का स्टेप बहुत ध्यान से देखते जाना, ठीक है, क्योंकि जब
चार ऑप्शन होंगे ना, उसमें से यही ऑप्शन देखने को मिलेगा तुम्हें, 99% में कह रहा हूँ वही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो सिंपल कभी नहीं देगा। तो मैं इसको देखो कैसे लिख सकता हूँ आगे, ई की पावर जे ओमेगा अपॉन टू, इसका होल स्क्वायर लिख लूँ, एक ही बात है, ठीक है, प्लस ई की पावर माइनस जे ओमेगा टू, इसका होल स्क्वायर लिख लूँ, माइनस टू। अब देखो यहाँ पे मैं वन को कैसे लिख सकता हूँ, मतलब वन से मल्टीप्लाई कैसे कर सकता हूँ मैं, वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई की पावर जे ओमेगा वाई टू मल्टीप्लाई वाई ई की पावर माइनस जे ओमेगा वाई टू लिख लूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, वन रहने वाली है, ई की पावर जे ओमेगा वाई टू इंटू ई के पावर माइनस जे ओमेगा वाई टू, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, वन रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब वन से मल्टीप्लाई करने में टू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने इसे जरूरत के हिसाब से बना लिया, इसलिए बनाया। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, किसका फॉर्मूला होता है ये, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर, ये बन रहा है बी स्क्वायर माइनस टू ए इंटू बी, ठीक है, किसके इक्वल होता है ये, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के, ठीक है। ये मैंने कैसे लिखा, टू वाले को मैं एक बार और समझा देता हूँ, ये क्या वैल्यू, वन ही तो है ये पूरी, तो इस पे टू से वन की मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसको इस तरह से बनाया ताकि ये फॉर्मूला बन जाए। आगे देखो बस, अब इसको क्या करना है, हो गया काम, टू अपॉन जे ओमेगा का स्क्वायर, तो ए यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ई की पावर जे ओमेगा अपॉन टू माइनस ई की पावर माइनस जे ओमेगा अपॉन टू, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अंदर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा अभी और सिंप्लीफाई करना है इसको, मैं क्या करता हूँ, टू जे इसमें डिवाइड कर लेता हूँ, ई की पावर जे अपॉन टू माइनस ई की पावर माइनस जे ओमेगा बाई टू, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, बहुत ही ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, टू जे से यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, तो टू जे से टू, या टू जे से मतलब टू जे का स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो टू जे के स्क्वायर से मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स ऑफ ओमेगा कितना हो गया हमारा, टू अपॉन जे ओमेगा कितना बन जाएगा, ये यहाँ पे देखो ये क्या बन रहा है, ए माइनस बी का स्क्वायर, यार ये किसका होता है, ई की पावर जे थीटा माइनस ई की पावर माइनस जे थीटा अपॉन टू जे, किसका होता है ये, साइन थीटा का, ठीक है। तो इसको मैं लिख लूंगा बिल्कुल उसी तरीके से, कितना हो जाएगा ये, साइन क्या आ जाएगा, ये साइन साइन ओमेगा अपॉन टू का होल स्क्वायर, राइट। और ये कितना बन गया यहाँ पे, टू जे का स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा फोर जे स्क्वायर, यहां तक हो जाएगा, राइट। यहाँ ध्यान से देखो ये जे ओमेगा का स्क्वायर था, ठीक है, ये मिस्टेक मत कर देना। तो यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं, कितना हो गया ये, एक्स ऑफ ओमेगा कितना हो जाएगा, टू अपॉन जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, अब इसको मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर ओमेगा अपॉन टू फोर जे स्क्वायर, तो जे स्क्वायर से तो जे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, टू फोर की टू में करूंगा एट हो जाएगा, एट अपॉन ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा बाय टू, या तो ये आंसर देखने को मिलेगा, ज्यादातर 99% तो यही देखने को मिलता है, ठीक है, वहां पे। या बना सकता है इसको वो सिंक की फॉर्म में बना सकता है, क्या बना देगा, सिंक फंक्शन भी बना सकता है, ठीक है, या तो ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर इसको और सॉल्व करना है तो सिंक बना लेना, ठीक है, केवल नीचे क्या कम करना पड़ेगा, ओमेगा बाई टू बनाना पड़ेगा, फिर ये कितना हो जाएगा, सिंक स्क्वायर ओमेगा बाई टू बन जाएगा, ठीक है, वो डिवाइड मल्टीप्लाई करके। फिलहाल अगर आप यूनिवर्सिटी का पेपर लिख रहे हैं तो वहीं तक करना है बस, ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक।
यूनिवर्सिटी का अगर पेपर लिख रहे हैं तो यहीं तक लिखना, इससे ज्यादा नहीं करना, ठीक है? वहां पे इतना ही बस लिखना, इतने अगर 5 नंबर में आएगा पूरा भाई पूरे 5 नंबर देकर जाएगा वो, ठीक है? वहां पे जाकर स्मार्टनेस नहीं दिखानी है, ठीक है? यूनिवर्सिटी वाला गलत कर देगा, ठीक है? अगर लेकिन कॉम्पिटिशन में बैठे तो वहां पे कॉम्पिटिशन में क्या होता है, ज्यादातर हमें जो ऑप्शन देखने को मिलेगा वहां तो ऑप्शन भी चलता है, ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है? 8 अपॉन ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा बाई 2, इसका सिंक भी बन जाएगा। सिंक बनाना आता ही है, ठीक है? नहीं बनाना आता तो मैं एक बार बता दूं कैसे बनाते हैं सिंक, या और थोड़ा सा सिंक वाला बना देता हूँ कैसे बनेगा, ठीक है? ये जो जो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा, साइन ओमेगा अपॉन 2 अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लिया मैंने। तो मुझे क्या चाहिए, ओमेगा अपॉन 2 चाहिए, तो मुझे ओमेगा अपॉन 2 चाहिए। मैं क्या करूंगा, 2 से यार डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पे 8। इस वाले 2 को मैं बाहर निकाल देता हूँ तो 2 का स्क्वायर बाहर आएगा, राइट? तो अंदर क्या बचेगा, साइन ओमेगा अपॉन 2 अपॉन ओमेगा अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर, ये कितना यार 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सिंक, ठीक है? साइन टी अपॉन टी कितना था, सिंक टी, ऐसा ये कितना हो जाएगा, साइन के मतलब साइन के अंदर जो है उसी से डिवाइड हो रहा है वो सिंक बन जाता है। कितना हो जाएगा, सिंक सिंक ओमेगा अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर, एक्स ऑफ ओमेगा कितना आ गया, 2 सिंक स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2। इन 3 आंसर के अलावा और कोई भी आंसर तुम्हें देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है? ये इस जो वेव फॉर्म मैंने लिया एक स्टैंडर्ड वेव फॉर्म में, ठीक है? ये ज्यादातर वेव फॉर्म देखने को मिलती है हमें, ठीक है? पेपर में ज्यादातर वही यूनिवर्सिटी वाला तो उसी को प्रेफर करता है, अगर आता है बस उसको पहले वाले आंसर तक निकालना। लेकिन अगर कॉम्पिटिशन लिखने हैं तो तुम्हें दोनों आंसर निकालने आने चाहिए, ठीक है? मतलब याद रहने चाहिए कि इनको बनाते कैसे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, मैंने इसको अपने तरफ से काफी अच्छे से समझाया, ठीक है? यही करना, देखो यूनिवर्सिटी वालों को बस यहीं तक करना है, इससे आगे नहीं करना है, वहाँ पे स्मार्टनेस नहीं दिखानी है, ठीक है? वो गलत कर देगा नहीं तो, क्योंकि उसको ही खुद ही समझ नहीं आएगा, अगर नहीं आया तो वो नंबर काट लेगा, ठीक है? आई होप आप लोगों को समझ आएगा। अगर यूनिवर्सिटी का लिख रहे हो तो वहीं तक ठीक है, अगर मन कर रहा तो कर सकते हैं, मतलब ज्यादा पेज भरने हैं तो, ठीक है? वहां पे स्मार्टनेस दिखा देना, अगर स्मार्ट दे, ये हो सकता है कि प्रोफेसर खुश हो जाए और अच्छे से नंबर देकर चले आए पूरे में से पूरे, ठीक है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।